बंजारा बस्ती से छींच बागी दौरा मुख्य सड़क तक 1 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी। इसकी आधारशिला टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने रखी। साथ ही मलवासा स्कूल में बनने वाले कक्षा कक्ष का शिलान्यास भी किया। मंत्री बामनिया ने कहा कि सड़क बनने से किसानों, पशुपालकों और विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। समारोह में पहुंचे बामनिया का मलवासा और आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने ढोल ताशों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। शिलान्यास कार्यक्रम में कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, अर्जुन पाटीदार, अशोक शुक्ला, नाहर सिंह पटेल, ग्राम पंचायत मलवासा सरपंच समेत जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। इधर टीएडी के वित्तीय सहयोग से 57 लाख की स्वीकृति से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलवासा में 1 सभा कक्ष और 3 कक्षा कक्ष का शिलान्यास भी किया गया। ग्रामीणों और स्कूल परिवार ने मंत्री का स्वागत किया। सबसे खास बात यह रही कि अपनी गृह पंचायत में मंत्री ने शिलान्यास समारोह में आए अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णपाल सिसोदिया ने की। मुख्य अतिथि मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और विशिष्ट अतिथि सरपंच शांति देवी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शांतिलाल बामनिया, नाहर सिंह पटेल, भीमजी पाटीदार रहे। इस अवसर पर मुकेश पाटीदार, स्वच्छ परियोजना, भरत पुरोहित, निजी सहायक, मगाभाई, मीठालाल बामनिया, छगन भगत, शगरलाल, मोहन भाई, वीरेंद्र बामनिया, हंतु, भक्तु, खातु भाई, आभार, नातू भाई, थानू भाई, लक्ष्मण, रूपा भाई आदि मौजूद रहे। गणमान्य बामनिया से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। सरलता, सहजता देखने से बनती है। उन्हें किया जा रहा है। आटो बांजू होए। सुध हो रहा है और इसी विनम्रता और जनसेवा की भावना से ही ये इतने उच्च स्तर पर। और हम माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जब हम उनका स्वागत करें तो और भी ऊंचे पद के रूप में हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करके और उनका भावभीना स्वागत करें। बाहर जो परकोटे के बाहर जो उपस्थित हैं उन सभी सम्मान्य मंत्री महोदय द्वारा स्वयं ने ही मुख्य अतिथि महोदय साथ हैं, श्रीमन हमारे साथ हैं। ये युवा ही राष्ट्र शक्ति है। देश कर्म फैला कर देखो, हम सब ही तो सत्य युक्त है। दृढ़ संकल्प का जो स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण द्वारा, यह से भी आग्रह करूंगा तो वो स्वागत करें। चंदू भाई से भी आग्रह करूँ, शंकरलाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण द्वारा करें। शंकरपुरा से आग्रह करूंगा कि वो सिद्धि की इस धरा में उनका एक आशीष और उनका एक प्रेम है कि यहाँ के जन्मे, यहाँ की इस धरा के लाल ने राजस्थान का नेतृत्व करा और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बने। देखिए ऐसा है, जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रस्सी आवज दात है सरपत पड़ते निशान। सामान्य सी घटना पर बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कबीरदास जी। वह कहते हैं कि यदि बार बार कोशिश की जाए तो एक रस्सी
जो तिनके और घास से बनती है वो पत्थर के दर टुकड़े कर देती है। वही परिणाम है, वही उदाहरण अर्जुन सिंह बामनिया है। सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं, बलवासा ग्राम पंचायत में आज दो कार्यों का शिलान्यास हुआ। एक डामर रोड बंजारा बस्ती से बागीदोरा मुख्य सड़क तक 1 करोड़ रुपए की, सभी तालियों के साथ इसका स्वागत करें। और दूसरा जो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं विद्यालय परिसर में, यहाँ पर 3 कक्षा कक्ष और उन 3 कक्षा कक्षों के ऊपर एक विशाल हॉल मई सीढ़ियों सहित विशाल हॉल 90x34 का, जिसमें समस्त कार्यक्रम हो सकते हैं, ऐसा 3 कक्षा कक्षमय हॉल 57 लाख की स्वीकृति के बाद बना है। हम के मंत्री जी को 1 करोड़ 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक भी आली सके सप्त की पैसे वाला मंत्री है राजस्थान ना। पण आपणे हाथे आ 2 वर्ष कोरोना वगाड़ी आल्यू। देखो आणाने भी आणा हाथे भी बड़ी प्रॉब्लम है रही है। 2 साल कोरोना नहीं होता तो शायद ये कमरे साल 1.5 साल 2 साल पहले बन गए होते। आनंद बनता तरत आने के पैसा रहता खबर है। अमर गांव में 1 करोड़ 11 लाख रुपया थे खाली केनाल ना, 1.5 करोड़ रुपया। नारसिंह जी ने स्कूल ना कमरा, भीमजी भाई ने हमारे हूँ मेटी लड़ाई है, तमें हम हमारे लड़ाई में तमें तक पड़ जो मारे भाई हो है ता हाथे रह जो हमें तो बेगा था पहला लड़न हाँ से बेगा था आ कहे कि हाँ मैं पहलो नाराज है एक के नाराज ने 12-20 पूछे एक के नाराज हुए थे तमें है ता आपन मली निश्चित रूप से की आटली बोने बनी रही है खरी आ सरपंच साहब बैठी देखी लो बनो का तो निश्चित विकास था का आ माता जी मंदिर देखो शानदार देगा रोड तक की मार घरवाली आदि ज्यादा आनंद हुआ है एनानी कुलदेवी है निश्चित रूप से की साहब खूब विकास करियो है हमारे गांव में भी आपने आए भी हुरवणिया में भी हिया बोर्ड में हालिए में रुके भी कोई कमेंटी राखी ने अवे आ कोरोना मटियो है संता न करो आ 1.5 वर्ष में जटल काम था एटले करंगा ने 1.5 वर्ष बाद भी आपड़े पास हते विकास जी है नस्ते एक आते एक्स्ट्रा खिलाड़ी है पेलोते आपड़े हाथे मेन खिलाड़ी हाली दाम रवि रे आमड़े एटले आप सब मली ने आमे भी जोरदार काम करूंगा ने आपने कहवानी जरूरत पड़े कि साहब ने फिर जताड़वा आपने जैसे दांते ही धनी हम सी जागे एटले निश्चित रूप से की आपन सब मली ने काम करूंगा। मेरा राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। अब बोलने के पहले मैं कुछ बात ये कहना चाहूंगा कि गांव वाले विचार करते होंगे तो कमरे तो सब दिए, ये किया वो किया या नहीं किया, हमने वोट दिया हमारे गांव में क्या किया। तो मैं एक एक चीज आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना चाहूं और आगे क्या होगा इसके लिए भी मैं आपको कुछ कहना चाहूं। मेरे बनने के 3 साल हो चुके हैं और 3 साल के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई और उस महामारी में देश नहीं प्रदेश नहीं पूरा विश्व हालात खराब थे और उस हालात में कोई किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। और अभी बाबूजी कृष्णपाल सिंह जी कह रहे थे कि बाबूजी शादियां बहुत है, बाबूजी कोरोना काल की याद करो कि शादियों में कोई जाने के लिए तैयार था क्या, या कोई शादी का नाम लेने के लिए तैयार था क्या, कोई नहीं। मैं इस मौके पर आप सबको कहना चाहता हूं और आपको ये बात कहूं तो आपको विश्वास नहीं होगा कहां है ये। इस मलवासा गांव में अभी तक 3 से 3.5 करोड़ रुपए लग गए।
हवे कोण माने एनी वात ने कोण माने गळे उतरे के ने शंकरलाल जी गळे उतरे 3.5 करोड़ ऊपर आवी गया खाली माताजी डोंगरी ऊपर अबार तक आज दाड़ा तक सेंशन आवी है 40 लाख तो एक 20 लाख एक ने 10 लाख आ सरपंच साहब ने एने काम कर्यु केटला थया केटला ग्राम सेवक थी केटला लाख नो काम कर्यु 10 एक थई गया कि बे केटला थया 8-70 कोई नहीं आया पर मेरे मन में दर्द था कि ये बेटियां वहां से आती है तो डेली इनके कपड़े बिकते हैं डेली चप्पल निकालती है मैंने देखा है मेरे मन में थी इसलिए मैंने किसी बिना कहे रोड बनाने के काम किया कि वहां से आने वाली बेटी वहां से आने वाला बेटा बिना किसी परेशानी के आए और कभी लेट हो जाए तो हर घर में मोटरसाइकिल है वहां से मोटरसाइकिल पे उसका भाई उसका पिताजी बिठा के यहाँ छोड़ दे परीक्षा का टाइम हो या स्कूल का टाइम हो। सड़क और बनाई जो दोनों जगह लिंक करती थी। आज यहाँ खड़ा हुआ हूं भाई अशोक जी ने सबने अपनी अपनी बात कही मेरे मन में पीड़ा है दुख है मैं मंत्री बन के भी दुखी हूं कि मैंने जिस गांव में जन्म लिया है मैंने जिस धरती पर जन्म लिया है ठेठ वहां से यहां तक पढ़ने आता था बिना जूते आता था और यहां से चल के छींच जाता था और इन बच्चियों को पता नहीं होगा इसमें से आधे लोगों को पता होगा या कहीं जीवना भगत होगा उसको ही पता होगा कि इस हाथ में और इस हाथों से माइंस में 50 रुपए की मजदूरी की पूरा पाउडर वाला होके आता था पर हार नहीं मानी थी कि जिंदगी में एक दिन कुछ करके देखना दिखाना है इस गांव का विकास करके देखो ये मेरे मन में दर्द आपको बेटा पता नहीं 50 रुपए की मजदूरी करके आया और आज दर्द इस बात का है मुझे और उस दर्द को देखते हुए आप सम्मानी पीछे बैठे मेरे गांव के पढ़े लिखे शिक्षक और अन्य साथी और जितने भी यहाँ पढ़े लिखे हैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ निवेदन करता हूँ कि मैंने मंत्री रहते हुए मेरे पहले भी कहीं मंत्री इस टीएडी विभाग के रहे हैं मेरी इच्छा है मेरा दर्द तब खत्म होगा कि मलवासा का बेटा जयपुर के अंदर 18 करोड़ का हॉस्टल बना है उस हॉस्टल में जाके ये बेटी और यहाँ का बेटा जाके आरएस की तैयारी करे पहली बार कोई हॉस्टल बनाया है 11 करोड़ वो दर्द तब खत्म होगा कि यहाँ की बेटी और यहाँ का बेटा जाके वहां पढ़े। मैं अच्छा लग रहा है टोल तैयार कर ले जो अंडा जी वाला ने अब्बा बुक कर दे दो प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय मंत्री जी का और जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया तो 99 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पे चलते हैं। जो भी बाधा आती मग में जो दान लहू का कर्मचारी गण विद्यालय परिवार आप सभी के